एवरीवन, मैं कनिका एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एसटी कैंपस में। आज एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं किसमें DSSSB में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेना, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस के ऊपर है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या सांवेगिक क्रियाएं, संवेदी क्रियाएं, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, पहले क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन जो DSSSB में आया हुआ था, किसके ऊपर, रिफ्लेक्स एक्शंस के ऊपर। तो समझ में आ रही है कि कहां से क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, जल्दी से देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, और नहीं समझ आया तो हम यहाँ पर सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, देख लो भाई, एक ग्लिम्स जो है वो देख लो, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताएं, और समझ में नहीं आ रहा तो भी बताएं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे, राइट। क्या कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्लियर है, फिर टाइप्स पे आएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है इंसान की लाइफ में, यानी कि छोटे होते से ही बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ये बताती है कि रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शंस ये बताते हैं कि बच्चे का विकास किस तहत हो रहा है, यानी कि किस तरीके से हो रहा है। यदि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं, क्या यदि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं तो ध्यान रखिएगा उस समय पर हम ये कह सकते हैं कि विकास में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है या बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस है ये बताते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सांवेगिक क्रियाएं बच्चा नहीं करता है, देख रहे हो यहाँ पर, तो ये शो करता है कि पर्टिकुलर एज में यदि ये सारे के सारे नहीं हो रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, किसमें, विकास की दर में। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर जाएंगे, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करते हैं। क्या है मोरो रिफ्लेक्स, यहां से क्वेश्चन आया ऊपर, देखते हैं मोरो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जानेंगे। यदि मैं बच्चे को लेटाने की कोशिश करूँ तो ध्यान दीजिएगा बच्चा जो है उसका रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होगा। यहाँ पर जैसे मान लो मेरी गोद में है और बच्चे को लेटाने की कोशिश करूँ, सॉफ्ट सरफेस में लेटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो क्या होंगे, वो एक्सपेंड हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जैसे बेबी बोर्न होता है 0 to 3 months में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बच्चे के हाथ पैर खुल जाते हैं, यानी कि इन्फेंट्स ड्रॉ आर्म्स बैक टू द बॉडी एंड देन रिलैक्सेस, है ना, बैक टू द बॉडी पीछे जाता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मोरो का मतलब क्या है, रिलैक्स होना, यानी कि अपने बॉडी को, यानी कि अपने आर्म्स को या लेग्स को रिलैक्स कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लियर। अब ये है क्या बेबिंस की, देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं। बेबिंस्की की यदि मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, पैर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर यदि मैं पैर पे क्या करूं, यदि मैं पैर पे बच्चे की टिकलिंग करूं तो यहाँ पर उसकी जो टोज है या तो खुलेंगे या फिर कर्ल होंगे, देख रहे हो यहाँ पर कर्ल होंगे, है ना, यहाँ पर कर्ल होंगे। तो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन से ये पता चलता है कि जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक जा रहे हैं या जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स को देखेंगे, इसको हम प्लांटर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, है ना, हिंदी में कहो प्लांटर बोलेंगे, बेबिंस्की जो है संवेगी हिंदी में भी सेम है। ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो स्टिमुलेशन, जो कोई भी स्टिमुलेशन हो यानी कोई भी उद्दीपक हो, जहां पर बॉटम ऑफ द फुट में, यानी कि अगर मैं बॉटम ऑफ द फुट बच्चे को टैप करूं यानी कि टच करूं, उसे क्या होगा, टिकलिंग होगा और वो उसकी कर्ल्स जो है, उसके जो टोज हैं वो क्या हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इट कैन हेल्प द डॉक्टर्स इवेल्युएट आर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन पीपल ओवर एज 2, यानी कि 2 साल तक के बच्चे में हमें ये पता चल सकता है कि यदि वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो देर इज अ प्रॉब्लम, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वो क्या है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग का मतलब क्या है, आपने मोस्टली देखा होगा 3 से 4 महीने में भी हर बार बार जो है बच्चा, या आगे स्टेजेस में भी आपने देखा होगा बार बार बच्चा जो है अपने क्या कहते हैं थंब को क्या करता है, सक करता है ना। सक्स व्हेन एरिया अराउंड माउथ इज टच, मतलब मान लो मैं इसको इधर टच कर रही हूँ, इधर टच कर रही हूँ, तो यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश करेगा, हर एक चीज को, कोई भी चीज होगी, है ना, कोई भी चीज होगी उसको
उसके सामने मुंह लेके आ जाओ, तो वो कहीं पर भी जो है वो कुछ भी जो है वो सक करने की कोशिश करेगा, चूसने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। आते हैं स्टार्टल पे। स्टार्टल क्या होता है एकदम से, ये देख रहे हो यहाँ पर इसकी शक्ल देख रहे हो, याद रहनी चाहिए। स्टार्टल का मतलब क्या है, जब भी कोई भी भड़काई मतलब कोई भी जो लाउड नॉइज है एकदम से बच्चा सुनता है, एकदम से किसी की आवाज सुनता है या किसी ने पुकारा उसको सुनता है, एकदम लाउड नॉइज आती है तो उसका रिएक्शन ऐसे हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, हाथ ऐसे हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर हर एक चीज एक्सपेंड होगी, आईज भी क्या होंगी ब्रॉड हो जाती है। पुलिंग आर्म्स एंड लेग्स इन आफ्टर हियरिंग लाउड नॉइज। ध्यान रखिएगा स्टार्टल और मोरो में एक डिफरेंस छोटा सा ये है, ये लाउड नॉइज पर होता है। यदि लाउड नॉइज आ जाए यानी कि कोई तेज आवाज आ जाए तो यहाँ पर आप बोलोगे स्टार्टल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, वो क्या है, स्टेप रिफ्लेक्स है ना। यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्टेप का मतलब चलना, कहने का मतलब कोई भी हार्ड सरफेस यदि है, है ना, हार्ड सरफेस है तो यदि बच्चा चल रहा है या बच्चे को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके जो पैर है, फुट जो है, फीट जो है, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि स्टेपिंग मोशन व्हेन सोल ऑफ द फुट टचेस हार्ड सरफेस, इन शॉर्ट स्टेप अप हो जाता है ना, यानी कि नीचे पैर नहीं रखता, उठाने की कोशिश करता है, इसे बोलते हैं हम स्टेप रिफ्लेक्स। नेक्स्ट पे आते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स, और ये आया है क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। टोनिक नेक का मतलब क्या है, जैसे ही हमने बच्चे को लिटाया वहां पर उसका जो धड़ है यानी कि सर का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ या ऊपर की तरफ जो है वो होने लगता है, एंटी ग्रेविटी, देख रहे हो एंटी ग्रेविटी पोजीशन में जो है वो होने लगता है, यानी कि एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स। आर्म्स एंड लेग्स व्हेन हेड मूव्स है ना बैकवर्ड्स एंड विल कर्ल इन व्हेन द हेड मूव्स फॉरवर्ड, कहने का मतलब यही है यहाँ पर कर्ल मूवमेंट में, है ना, कर्ल मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर जो है सर का जो धड़ है वो उठने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो मेजर फोकस है वो क्या है, एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स। और यहाँ पर एक और चीज है, हेड जो है वो उठता है बैकवर्ड की ओर, हेड बैकवर्ड की ओर है, फॉरवर्ड की ओर यानी कि आगे की ओर नहीं है, पीछे की ओर है ना, यहाँ पर इसकी खास बात ये है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स इसे कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, यदि बच्चे का जो एक साइड है ना, एक साइड जो है पोर्शन जो है इसको टच किया जाता है या फिर इसको ऐसे छुआ जाता है तो यहाँ पर बच्चे का जो हिप है वो क्या होगा, उसको टिकलिंग होगी, वो मतलब डांसिंग मूवमेंट में आ जाएगा, हिप एरिया वो उठाने की कोशिश करता है यानी कि डांसिंग मूवमेंट। ये शो करता है कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर क्रियाएं हो रही है, बच्चे के अंदर जो मानसिक क्रिया वो हो रही है, या फिर बच्चा जो है रिफ्लेक्स एक्शंस जो है मतलब सिग्नल्स, जो न्यूरॉन सिग्नल्स है, क्या वो दिमाग तक जा पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो है वो टच करता है डॉक्टर और यहाँ से पता चलता है कि उसके अंदर मूवमेंट्स है कि नहीं है। तो स्पाइन का जो साथ वाला यानी कि साइड वाला जो हिस्सा है उसको टच किया जाता है, डांसिंग मूवमेंट के फॉर्म में बच्चा होता है। तो द रिफ्लेक्स अकर्स व्हेन द साइड ऑफ द इन्फेंट्स स्पाइन है ना, इन्फेंट स्पाइन की जो साइड है इज स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब टच करना, और टॉप व्हाइल द इन्फेंट लाइज ऑन द स्टमक, जब बच्चा पेट के बल लेटा होगा। एक खास बात इसकी ये भी है, द इन्फेंट विल ट्विच देयर हिप्स, यानी कि इन्फेंट जो है वो अपने हिप्स को क्या करेगा, ऊपर की ओर करेगा, तो यहाँ पर डांसिंग मूवमेंट में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रास है ना, मुट्ठी, यानी कि इन शॉर्ट जो बच्चा है किसमें, ग्रास मूवमेंट में है, या ग्रास रिफ्लेक्स एक्शन भी इसे कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई भी चीज हाथ में पकड़ा दी जाए वो क्या कर लेगा, मुट्ठी में मतलब इन शॉर्ट वो क्या कर लेगा, इसे ग्रास करेगा। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई भी चीज उसके पाम में पकड़ा दो है ना, उंगली पकड़ा दो या कोई भी पेन पकड़ा दो, फटाफट से वो क्या कर लेगा, बंद कर लेगा अपनी मुट्ठी को। तो इन शॉर्ट दिस रिफ्लेक्स अकर्स इफ यू प्लेस अ फिंगर ऑन द इन्फेंट्स ओपन पाम, यानी कि इन शॉर्ट अगर आप इन्फेंट के पाम में क्या करोगे, फिंगर को प्लेस करोगे, द हैंड विल क्लोज अराउंड द फिंगर, हैंड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अराउंड द फिंगर, और उसके बाद ट्राइंग टू रिमूव द फिंगर कॉजेस द ग्रिप, यहाँ पर क्या होगा, जैसे तुम हटाने की कोशिश करोगे वो हटेगा नहीं, एकदम पकड़े रखेगा। तो ये क्या है, वो बाहुबली वाला कौन सा था, है ना, आज से इसका नाम होगा बाहुबली। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है हर एक बच्चे में होती है, सिर्फ बाहुबली में नहीं है, हर एक बच्चे में तुम्हें देखने को मिलेगी। यदि मैं किसकी बात करूं, रूटिंग रिफ्लेक्स की, रूटीन
टीथिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, यदि मैं कहूँ कि बच्चा जो है, बच्चे के जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं, मान लो तुम इधर टच करोगे वो इधर घुमाएगा, इधर टच करोगे तो वो इधर घुमाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर रूटिंग का मतलब क्या है, जहां पर रूट्स है ना, दिस रिफ्लेक्स अकर्स व्हेन द बेबीज चीक इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि बेबी के चीक्स को तुम टच करोगे तो यहाँ पर जो है बच्चा वहीं पर उसकी हेड मूवमेंट होगी, और यहाँ पर द इन्फेंट विल टर्न टुवर्ड द साइड, यानी कि साइड में इधर इधर जो है वो टर्न करेगा, इसे हम रूटिंग कहते हैं, है ना, एंड बिगिन टू मेक सकिंग मोशंस, और हर एक चीज को वो क्या करने की कोशिश करेगा, सक करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट पे आते हैं, वो क्या है, पैराशूट, जैसे दिख रहा है ना वैसे ही है, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर बच्चा अपने हैंड्स को, अपने लेग्स का यूज कर रहा है, दोनों चीजों का। ये कब होता है, देख ही रहे होगे यहाँ पर बच्ची का जो साइज है, मतलब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, क्रॉलिंग अवस्था में भी आ सकता है ना, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चा जो है अपराइट पोजीशन में है, बेबी जो है वो एकदम से अपने फेस को रोटेट करता है, ठीक है, फॉरवर्ड की मतलब आगे की ओर, द बेबी विल एक्सटेंड इट्स आर्म फॉरवर्ड एज टू ब्रेक अ फॉल, इवन दो दिस रिफ्लेक्स अपीयर्स लॉन्ग बिफोर द बेबी वॉक्स, सो इन शॉर्ट बेबी चलने से पहले क्रॉलिंग स्टेज में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैराशूट इसलिए कहा गया क्योंकि ये इस पोजीशन में है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज व्हाट गैगिंग रिफ्लेक्स, क्या गैगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो बच्चा कुछ भी खाता है, उसकी जो उंगली है या फिंगर्स है वो मुंह में डाल रखता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी उंगली इतना जो है वो अंदर चली जाती है कि गले में फंस जाती है, तो गले में कुछ भी फंस जाता था तो हम क्या करते हैं, गैगल्स करते हैं ना, गागस करते हैं, तो यहाँ पर वही है। कहने का मतलब क्या है, गैगिंग व्हेन द थ्रोट और बैक ऑफ द माउथ इज ट्यूमुलेटेड, यानी कि जो थ्रोट ऑफ द माउथ है, यानी कि इन शॉर्ट गले में कुछ टच हो जाता तो एज तो ये क्या है, मतलब कुछ निकालने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स, क्या कहेंगे, गैग। और ना और लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट बैपकिन रिफ्लेक्स, कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो बच्चा ऐसे खड़ा है, इमेजिन करना मैं बता रही हूँ, बच्चा ऐसे खड़ा है और दोनों हाथों में मदर जो है वो प्रेशर दे रही है, क्या दोनों हाथों में मदर जो है वो प्रेशर दे रही है, तो यहाँ पर जो बोथ बच्चों की दोनों हाथों में प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जो है उसके हाथ, उसका जो मुंह है वो खुल जाता है, और क्लोजिंग ऑफ द आईज, मतलब वो क्या करेगा, दोनों हाथ में प्रेशर, आंखें बंद होंगी और यहाँ पर मुंह जो है वो खुल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं बैपकिन रिफ्लेक्स सेक्शन। तो यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्स सेक्शन जो है वो हमने पढ़े, कुछ या सारे ही पढ़ लिए हैं, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड था बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, और फिर हम DSSB से जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके ऊपर भी आएंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर, दिस रिफ्लेक्स अकर्स व्हेन द बेबीज चीक इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब आप बेबी के चीक्स को क्या करते हो, टच करते हो, तो इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होता है, जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। द इन्फेंट विल टर्न टुवर्ड द साइड, यानी कि या तो आप यहाँ टच करोगे तो इधर, यहाँ करोगे तो इधर होगा, तो यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है, गैग रिफ्लेक्स बोलेंगे, बैपकिन बोलेंगे, रूटिंग बोलेंगे, या ग्रास रिफ्लेक्स बोलेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। फिलहाल मैं बोल दूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स, है ना, रूटिंग रिफ्लेक्स जो होगा वो करेक्ट होगा। और सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जो DSSB में पूछा गया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी से आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेबी बिहेवियर इज करेक्टली मैच, है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी मैचिंग में दे रखा है क्वेश्चन। यदि मैं मोरो की बात करूं तो मोरो में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जहां पर बच्चे की जो लेग्स है, आर्म्स है, वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो जी हाँ बिल्कुल, हमने अभी ये पढ़ा है ना मोरो में, इसी के बाद हमने मोरो में पढ़ा था कि यहाँ पर जैसे लिटाने की कोशिश करते हैं हाथ पैर खुल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, तो दिस इज टोटली करेक्ट। ये क्या है, ये टोटली करेक्ट है। और यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं किसकी, टोनिक की, तो टोनिक में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ भाई। मीनवाइल यहाँ पर क्या होता है, एंटी ग्रेविटी पोजीशन में होता है और सर बैकवर्ड की ओर जाता है, तो क्या यहाँ पर सही दे रखा है, और हाथ जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, क्या सही दे रखा है, देखे जरा, ओपन्स माउथ क्लोज आईज नेक फ्लेक्सेस, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये बैपकिन का होगा। तो यहाँ पर जो है टोनिक जो है वो गलत है, और यहाँ पर मोरो जो है
क्या मोरो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वन, थर्ड जो होगा ऑप्शन सही होगा। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के साथ जो है हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और यदि समझ में आ रही हो, पसंद आई हो, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।